जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज असी पहुँचे हाँ परम सतगुरु नामदेव जी महाराज जी दे समाधि स्थल ते, जिथे कि सतगुरु नामदेव जी महाराज जी ज्योति ज्योत समाए हैं। और इत्थे उन्हां दी याद विच बहुत बड़ा स्मारक बनिया होया है और गुरु दरबार है। आओ आप जी नूं अगे दर्शन करवाउंदे हैं जी। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਔਰ ਕਬ ਸੇ ਆਏ? हमें लगभग अभी 10 दिन हो गए हैं। सतगुरु नामदेव महाराज के दर्शन पाने के लिए। हाँ। संगतां जो महाराष्ट्र तो आईया हैं, पहले उन्हां नाल मिलाने हैं तो फिर अंदर तुहानूं समाधि स्थल के दर्शन करवाए जाएंगे। आप और आपके साथ और कौन आए हैं? 100 लोग हैं। हाँ जी, 100 लोग हैं। 100 लोग हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। महाराज जी का जन्म आपके महान नाम महाराष्ट्र में हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप आगे भी आते हैं? आगे भी पहले भी आए कभी? अभी हमारे इधर का संत है इसलिए हम लोग को महाराष्ट्र वाला लोग ज़्यादा करके इधर आएंगे जैसा उधर जी। तो उसके बाद यहाँ पे भी चक्कर मार के जाते हैं। ठीक। असी हुण चलदे आ परम सतगुरु नामदेव जी महाराज जी दे समाधि दे दर्शन करन वास्ते। आप संगतां दी जानकारी लई दस दईए कि जिस राजे ने दिल्ली विच सतगुरु नामदेव जी महाराज जी नूं कहा सी कि गऊ जिंदी करो, जो मरी हुई गऊ सी ते सतगुरु नामदेव जी महाराज ने मरी हुई गां जिंदी कीती सी ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच शब्द भी है महाराज जी दा, नामा सुल्तान ने बंध ला देखूँ तेरा हर बीठला, के नामे नामदेव जी महाराज जी ने सुल्तान ने बन लिया कि कहिंदे दिखाल तेरा बीठल कित्थे आ, ते उसनू कह के साडी गऊ जिंदी करे। तो फिर गऊ माता जिंदी कर दिती सतगुरु नामदेव जी महाराज ने परमात्मा दे अगे बेनती करके, तो उस दी तस्वीर गुरु दरबार विच सामने लगी हुई है जिस दे आप जी दर्शन कर रहे हो। और उस तो बाद इस राजे दे बेटे ने आण के इत्थे आण के महाराज की समाधि ते माफ़ी मंगी सी ते उस इस समाधि का निर्माण उस राजे उस बादशाह दे लड़के ने करवाया सी आण के, ते नाले माफ़ी मंगी कि महाराज जी साडे परिवार तो बहुत वड्डी भुल हो गई कि तुहाडी असीं प्रीक्षा लई। ये दरबार है परमेश्वर सतगुरु नामदेव जी महाराज जी का।
सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के परम सेवक बाबा बोधदास जी महाराज होए ने। यह उन्हों का समाधि स्थल है जिन्होंने महाराज जी ने अपने दरबार की सेवा बख्शिश की सी। बाबा बोधदास जी सतगुरु नामदेव जी दरबार में दीवान हाल बनया हुआ है जिते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश जो जो ना ना
सतगुरु जी के दरबार में महापुरशां दी फोटो लगी हुई हैं जिन्हां विच बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच है। सतगुरु रामानंद जी महाराज, सतगुरु सूरदास जी महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज और सतगुरु जयदेव जी महाराज, सतगुरु सदना जी महाराज, सतगुरु बेनी जी महाराज, सतगुरु पीपा जी महाराज, सतगुरु बाबा शेख फरीद जी महाराज, सतगुरु भीखन जी महाराज, सतगुरु परमानंद जी महाराज, सतगुरु धन्ना जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर जी महाराज और सतगुरु नामदेव जी महाराज जिन्हों का यह दरबार है। सतगुरु जी के दरबार में बाणी का प्रवाह चलता है। सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के दरबार में बीठल मंदिर भी विराजमान है जो कि प्राचीन है और उसके भी दर्शन करते हैं। पहला तुसी सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के समाधि स्थल के दर्शन किए सन ते हुण मेरे नाल हन कैमरामैन राकेश कुमार जी और तुहानू हुण दर्शन करवाउण जा रहे हैं सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के तप स्थान के जिथे लंबा अरसा सतगुरु नामदेव जी महाराज जी ने बंदगी की। आओ दर्शन करिए जी। यह है परम सतगुरु संत नामदेव जी महाराज जी के तप स्थान का उपरला दृश्य। उस तो बाद तुहानू असी नीचे भूरा साहब विच लैके जावांगे। आओ पहला उपरले दृश्य के दर्शन करिए जी। हुण असी सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के तप स्थान के भूरा साहब के दर्शन करन जा रहे हैं जिथे बैठ के सतगुरु नामदेव जी महाराज ने लम्मा अरसा परमात्मा की बंदगी की। जिक्र योग है इस स्थान पर सतगुरु नामदेव जी महाराज ने 17 साल बंदगी की है और यह स्थान सतगुरु नामदेव जी की भगती के नाल परमात्मा की शक्ति दे नाल जरा जरा इत्थे दा भरपूर होया होया है। संगतां प्रभु बंदगी विच जुड़ियां हुई हैं। इत्थे आण के रूह नूं एक अलग तरह की शांति प्राप्त होंदी है जो कि किसी जगह ते जाके नहीं होंदी क्योंकि सतगुरां दी बंदगी का प्रताप है। सतगुरु नामदेव जी महाराज जी ने 17 साल इत्थे परमात्मा की भगती की है। जिस पवित्र सरोवर दे आप संगतां दर्शन कर रहे हो यह उस समय एक छोटी जिही छपड़ी होया करदी सी ते एक जो कोड़ी एक व्यक्ति नूं कोड़ हो गया सी ते वह अपने घरदियां तो दुखी हो के आत्महत्या करन जा रहा सी ते इधर दी गुजर रहा सी। सतगुरु नामदेव जी महाराज ने आवाज़ मार के पुछया कि की गल है
तो उसने अपने दुख भरी कहानी सुनाई और सतगुरु नामदेव जी महाराज जी ने कहा इस छपड़ी में इनान कर। जब उसने इस छपड़ी में इनान किया तो उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया और उसका शरीर कंचन वर्गा हो गया, कोढ़ दूर हो गया। उस तो बाद संगतां की सुविधा वास्ते इत्थे सरोवर का निर्माण किया गया है। ये इस पवित्र सरोवर का इतिहास है जी। और गुरु दरबार में लंगर निरंतर चलता है। सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के दरबार में जिस तरह असी हुण दर्शन करवाउण जा रहे हैं संगतां नूं, इत्थे दीवान हाल है, सत्संग कीर्तन हुंदा है ते संगतां नाम बाणी दा लाभ उठाउंदियां हन। बहुत दार विच संगतां इत्थे अक्सर आउंदियां रहिंदियां हन। गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत दी सहूलत वास्ते लंगर हाल दे विच सतगुरु नामदेव जी दे दरबार विच लंगर निरंतर जारी रहिंदा है और अकाल पुरख की अपार बख्शिश है। और संगतां जिथे हर रोज़ लंगर छकदियां हन, जिक्रयोग है कि सतगुरु नामदेव जी महाराज जी का जन्मदिन ऐतवार 26 अक्तूबर 1970 ईस्वी बिक्रमी 1327 नरसी ब्राह्मणी जिला छोलापुर महाराष्ट्र विखे होया। बाबा जी सच का उपदेश देंदे हुए महाराष्ट्र तो चल के ग्वालियर, मथुरा, बनारस, दिल्ली तो पंजाब पहुँचे। पंजाब विच घूमते घुमाते आप इस स्थान पर घुमाण विखे पहुँचे जिथे गुरद्वारा तपियाणा साहब सुशोभित है और आप जी ने इत्थे 17 साल परमात्मा की बंदगी की। सो सात संगत जी, आपने दर्शन किए सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के समाधि स्थल के। इत्थे सतगुरु नामदेव जी महाराज ज्योति ज्योत समाए और सत संगतां नूं बहुत बड़ियां बख्शिशां कीतियां। और जिक्रयोग है कि इत्थे सतगुरु नामदेव जी महाराज जी दे पहलां आप जी ने तपियाणा साहब के दर्शन और समाधि स्थल के दर्शन किए जिथे सतगुरु जी 17 साल रहे। और महाराज जी इस जगह पर ज्योति ज्योत समाए हैं और संगतां दे रहण लई इत्थे एक बड़ी सुविधा है। 200 कमरा कमेटी वालों उसारी किया होया है जे किसी ने रात नूं रहना होवे। और जेकर तुसी टांडे वाली साइड तो आउंदे हो तो सीधा टांडे तो गुरदासपुर रोड तो घुमाण आ सकते हो। जे जलंधर तो आना है तो ब्यास वाल दी बाया ब्यास आ सकते हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे भगत जिन्हां को तेरा देहरा फिरे। जिन्हां दे कहण ते देरे घुम गए और सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के कहण ते परमात्मा ने बादशाह दरबार च गऊ जी की कर दिती। जिस बादशाह के दरबार में गऊ जी की कीती वो बादशाह के लड़के ने आण के इस समाधि स्थल का निर्माण अपने हाथी करवाया। इस करके इस समाधि स्थल की जो स्ट्रक्चर है वो मुसलमान धर्म के धार्मिक बिल्डिंगा की तरह है। तो बहुत बड़ी गल है कि एक सतगुरु नामदेव जी महाराज जी समाधि स्थल की जड़ी उसारी है एक मुसलमान बादशाह के लड़के ने करवाई। सो मैं संगतां नूं हथ बन के बेनती करते हैं कि इस स्थान पर जरूर आओ, अपना जीवन सफल करो और सतगुरु नामदेव जी महाराज जी के दरबार दियाँ खुशियां हासिल करो जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।